जैसा कि Redmi Note 5 Pro के लिए Xiaomi UO का एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन वो जो पोर्ट रोम था वो था इलेक्ट्रो की तरफ से और ये है प्रीतीश की तरफ से, जिसमें आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है, मतलब कि एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और यहाँ पे पिछले अपडेट के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और क्या कुछ चेंजेस हुए उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे माई डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे वर्जन MIUI 12.5 का Xiaomi .U 21.2.3 वर्जन हमें मिल जाता है और एसेंट कलर भी इस बार दे दिया गया है। एंड यहाँ पे आपका इस बार ओवरक्लॉक्ड है 2.2, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, सिक्योरिटी पैच 1 फरवरी 2020 की है और MIUI वर्जन पे आप टैप करके अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना, क्योंकि एसेंट कलर यहाँ पे वापस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे इस बार कर्नल हमें डीगल का वर्जन 12 है और पिछली बार हमें एक्सटेंडेड का कर्नल देखने को मिलता था, तो इस बार ओवरक्लॉक है, पिछली बार नहीं था। और यहाँ पे हमारा कंट्रोल सेंटर के अंदर हमारा वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट जैसा कि इस पे काम करता है और वॉल्यूम पैनल हो गया, पावर मेन्यू सब सेम है, बोल्ड भी आपका सेम ही है और कैमरे के अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलती है। और GCam आप यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हो तो आराम से आप यूज़ करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्लो मोशन भी इसमें अच्छी तरीके से काम करता है और इस GCam की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार अगर आप देखोगे तो आइकन बिल्कुल ही आपको चेंज देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आइकन बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं इस अपडेट में। और साथ साथ यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग है वो भी पहले से बेटर है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे FM हमारा जो है काफ़ी तरीके से काम कर रहा है और डाउनलोड में कुछ प्रॉब्लम थे, पिछले अपडेट में डाउनलोड होने के बाद भी नोटिफिकेशन आता था रीडाउनलोड का, तो उसको फिलहाल यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है यहाँ पे मिल जाता है बिल्कुल लेटेस्ट वाला और आपको 100 Mbps तक की क्वालिटी मिलती है, फ्रेम रेट 60 FPS तक का अब आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं गैलरी के अंदर, तो गैलरी के अंदर भी जो है क्रैश वाला इशू था जिसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया इस अपडेट में, बाकी सारी गैलरी आपके बिल्कुल लेटेस्ट ही मिलती है, तो यहाँ पे गैलरी लेटेस्ट ही है, बस यहाँ पे क्रैश जो है आपका जो प्रॉब्लम था उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया इस अपडेट में। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं प्ले स्टोर के अंदर, तो प्ले स्टोर आपका बाकी पहले की तरह बिल्कुल आपका सर्टिफाइड मिल जाता है, सेफ्टी नेट पास है और आपका प्ले स्टोर आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफाइड है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, आराम से आप यूज़ कर पाओगे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया और क्रोम हो गया, इनको आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऐप ओपनिंग की, तो ऐप ओपनिंग जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, तो पहले से आपको ये अपडेट बेटर मिलने वाला है। पहले के भी कुछ अपडेट आ रहे थे उन सभी से आपको बेटर मिलेगा और यहाँ पे रीसेंट भी काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। और साथ साथ ही हमारा जो रैम है 4GB में 1.7 या फिर 1.8GB तक जो है आपका फ्री यहाँ पे मिल जाता है। कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग में आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो जो है फिक्स आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो वाईफाई कॉलिंग है वो फिलहाल उसका आइकन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन जियो पे जो है ये वाईफाई कॉलिंग आपका काम यहाँ पे नहीं करता है, तो इसका जो है आपको फिलहाल देखने को मिलेगा ही प्रॉब्लम। एंड अगर हम बात करते हैं टू टू बेंचमार्क स्कोर की, तो 157,159 देखने को मिल जाता है और पिछले अपडेट में हमें 146,000 था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोर भी आपको इम्प्रूव देखने को मिल जाता है इस अपडेट में। और सेटिंग्स की बात करें तो कास्ट हमारा काम करता है, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है इसके अंदर आपका जो है सिस्टम वाइड वेरिएबल फॉन्ट जो कि ऐड किया गया है, जिससे अगर आप कोई थर्ड पार्टी फॉन्ट यूज़ करते हो प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे ऑफ कर पाओगे। और साथ साथ आपका जो एक्सेल वाला जो प्रॉब्लम था यहाँ पे डबल एक्सेल वो भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और वॉलपेपर तो आपको बिल्कुल सेम यहाँ पे मिल जाता है, सुपर वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका जो है थीम आपका पहले की तरह है, बस यहाँ पे आइकन जो है आपके चेंज मिलते हैं इस बार। और अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में, तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फिलहाल तो ये काम नहीं करता एंड बाकी सारी सेटिंग्स आपको पहले की तरह मिलती है और डिस्प्ले के अंदर भी आपका सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत फिलहाल नहीं मिलती है। और हमारा जो साउंड है ये भी फिलहाल पहले की तरह है। और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो कंट्रोल सेंटर स्टाइल है बिल्कुल पहले की तरह है, इसमें भी आपको चेंजेस नहीं मिलती है, हालांकि स्मूथ जो है यहाँ पे हो चुका है एनिमेशन। और स्टेटस बार सेटिंग्स भी आपकी बिल्कुल पहले की तरह ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और होम स्क्रीन के अंदर भी फिलहाल कोई चेंजेस नहीं मिलता। सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी बैकअप आपका काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे, तो बैटरी बैकअप में आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, बैटरी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छा ही देखने को मिल जाता है। और अब हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं अपना यहाँ पे ऐप, तो फिलहाल आपका पहले की तरह है। एडिशनल सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपको सभी के सभी लैंग्वेज मिल जाती है,
और इंडोनेशियन लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी सारी लैंग्वेज तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ओरिजिन तो ईजी है, आराम से आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जेस्चर की, तो जेस्चर पिछले अपडेट से काफ़ी ज़्यादा आप स्मूथ मिलेगा इस अपडेट में। तो इस अपडेट में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी लैग नहीं मिल रहा है, जैसे कि पिछले अपडेट में हल्का लैग था, लेकिन यहाँ पे आपको लैग नहीं मिलता। और स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट जो है काम करता है, लेकिन आपका ओके गूगल के लिए आपको जो है यहाँ पे फिलहाल ये थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आप अपना जा करके एसेंट कलर आराम से चेंज कर सकते हो। ये जो है वापस ऐड कर दिया गया यहाँ पे। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो स्पेशल फीचर्स के अंदर आपका गेम टर्बो मिल जाता है, बाकी सारे ऑप्शंस भी आपको सेम ही मिलते हैं। और बाहर भी हमारी सेटिंग बिल्कुल पहले की तरह है। और अगर हम यहाँ पे बूट एनिमेशन की बात करें, तो ये भी फिलहाल चेंज हो चुका है, जो कि पुराना वाला भी वापस आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। पिछले अपडेट में बिल्कुल लेटेस्ट वाला था MIUI का, जैसे कि 3D वाला जो वाइट में एनिमेशन था, यहाँ पे कलर वाला फिर से दे दिया गया है। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं गेम टर्बो के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो है वॉइस चेंजर देखने को मिल जाता है पिछले अपडेट की तरह। हालांकि ये जो है काम नहीं करता, ये डेड है फुल्ली। और हमारा जो ग्राफिक है वो भी बिल्कुल पहले की तरह ही मिलता है यहाँ पे, स्मूथ पे 90fps, बैलेंस पे हाई और HD पे भी हाई मिल जाता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं, और पबजी परफॉर्मेंस आपको बताने वाले हैं कि पिछले अपडेट से आपको पबजी परफॉर्मेंस कैसा यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पबजी परफॉर्मेंस की, तो पबजी परफॉर्मेंस आपकी पिछले अपडेट से आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपका पिछले अपडेट पे अगर आप हो, तो इस अपडेट पे आराम से स्विच कर जाओ, आपको जो है पिछले अपडेट से काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे मिलेगा। रोम भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही आपको स्मूथ मिल जाता है पिछले अपडेट से। कि ऐसा नहीं कि पिछले वाला आपको मान लो थोड़ा स्मूथ था तो उससे हल्का सा स्मूथ हुआ है, ऐसा नहीं, पिछले अपडेट से आपको ज़्यादा बेटर ही मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे स्मूथ हुआ है। और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप जो है आराम से खेल पाओगे और परफॉर्मेंस भी आपको तगड़ी मिलने वाली है। तो इम्प्रूवमेंट जो है बिल्कुल गजब सा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से जो है आप यूज़ करो। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आप 30+ करते हो, अगर कोई बग आता है तो उसके लिए फिर कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा, क्योंकि 30+ करने में बग भी आ जाता है। तो इसलिए आप जो है क्लीन फ्लश हमेशा किया करो, रिकमेंडेड क्लीन फ्लश ही रहता है। तो इसलिए क्लीन फ्लश करोगे तो ज़्यादा बेटर ही रहेगा। तो यही सारी चीज़ें आज की इस अपडेट में, और जो भी चेंजेस हुए थे मैं आपको बता ही दिया हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला यहाँ पे। अगर किसी को मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। बाकी यहाँ पे यही सारी चेंजेस हमें देखने को मिली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।